नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं 2019 की 19 कहानियां। एक ऐसा शो जिसमें खबर और उसके पीछे की पूरी कहानी आपको समझाई जाती है, क्योंकि चुनावी मौसम में आधी अधूरी खबरें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। 19 कहानियों में आज आपको हम दिखाएंगे सियासत में आज सुपर मंगलवार क्यों है। एक तरफ दूसरे दौर का चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा, तो दूसरी तरफ कई हैवी वेट नेताओं का नामांकन भी होना है आज। तो आइए शुरू करते हैं 19 कहानियां, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ, क्योंकि राजनाथ सिंह और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। राजनाथ सिंह लखनऊ में और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर ग्रामीण सीट से अपना नामांकन फाइल करने के लिए पहुंचेंगे। राजनाथ सिंह नामांकन दाखिल करने से पहले लखनऊ में एक बड़ा रोड शो भी करेंगे। मोदी सरकार के दो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ नामांकन भरेंगे। राजनाथ सिंह लखनऊ में और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर ग्रामीण में नामांकन भरेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और लखनऊ संसदीय सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजनाथ सिंह आज नामांकन करेंगे। नामांकन भरने से पहले राजनाथ सिंह सुबह करीब 9:30 बजे बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सुबह 10 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, फिर 10:30 बजे पार्टी कार्यालय से राजनाथ सिंह का रोड शो शुरू होगा। लखनऊ से मौजूदा सांसद राजनाथ सिंह का रोड शो जीपीओ हजरतगंज चौराहा, मेफेयर चौराहा, परिवर्तन चौक और कचहरी होते हुए गुजरेगा। 12 बजे राजनाथ सिंह नामांकन दाखिल करेंगे। राजनाथ सिंह कल ही लखनऊ पहुंच गए हैं। प्रचार पर रोक के कारण अब रोड शो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल नहीं होंगे। राजनाथ सिंह के नामांकन के दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। हाई प्रोफाइल लखनऊ सीट पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी कभी भी जीत नहीं पाई है। वहीं 1991 से लगातार बीजेपी का इस सीट पर कब्जा है। लखनऊ सीट पर 19 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। मुस्लिम, ब्राह्मण, वैश्य और अनुसूचित जाति के मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। आज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी नामांकन दाखिल करेंगे। राठौड़ जयपुर ग्रामीण के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। राठौड़ के नामांकन के समय योग गुरु बाबा रामदेव मौजूद रहेंगे। इसके अलावा खेल जगत की बड़ी हस्तियां जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स स्वर्ण पदक विजेता और रेसलर योगेश्वर दत्त, दीपा मलिक, अर्जुन अवार्ड विजेता और कबड्डी खिलाड़ी मंजीत चिल्लर, पवन शेरावत भी मौजूद रहेंगे। जहां तक जयपुर ग्रामीण सीट का सवाल है, तो इस बार इस लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है और दोनों पार्टियों के उम्मीदवार इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। कांग्रेस की ओर से कृष्ण पूनिया यहां से उम्मीदवार हैं। जयपुर ग्रामीण सीट पर मतदाताओं की संख्या करीब 17 लाख है। जाट समुदाय बहुल इस क्षेत्र में ब्राह्मण, यादव और अनुसूचित जाति के भी काफी मतदाता हैं। आज मधुबनी में शकील अहमद भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस पार्टी से बगावत कर और प्रवक्ता के पद से इस्तीफा देकर शकील अहमद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मधुबनी में नामांकन दाखिल करेंगे। तो बड़ा दिन है आज, और सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। राजीव, आज नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं लखनऊ, किस तरीके की तैयारियां आज हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह के लिए तो बेहद बड़ा दिन है, रोड शो की भी तैयारी हो रही होगी? बिल्कुल जरूर, हम उससे पहले बताएं, जैसा प्रोग्राम आया था, जिस तरीके का कार्यक्रम आया था कि राजनाथ सिंह 9:30 बजे भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है वहां पहुंचेंगे, वहां संबोधन करेंगे और उसके बाद जो है एक रोड शो शुरू होगा जो कि कलेक्ट्रेट तक जाएगा, जिसकी दूरी लगभग 2 किलोमीटर की है। लेकिन आज सुबह जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने हनुमान सेतु के दर्शन किए, उसके ठीक बाद अभी यहां पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी हनुमान सेतु पे मंदिर पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, बजरंगबली के दर्शन करेंगे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचेंगे, फिर वहां से रोड शो शुरू करेंगे। तो बजरंगबली पे जो आस्था व्यक्त करने की बात योगी आदित्यनाथ ने की थी, और उसके बाद से लगातार यहां पर नेताओं का आना जारी है। उससे पहले आशुतोष टंडन आए थे, योगी आदित्यनाथ साथ में थे, और अब जो है गृह मंत्री राजनाथ सिंह
हनुमान सेतु मंदिर आएंगे, मंदिर में बजरंगबली के दर्शन करने के बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे जाएंगे, जहां पे सभी नेताओं से मुलाकात करेंगे, वहां पर दोनों उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे और उसके बाद जो है वो रोड शो शुरू होगा। हरियाणा के प्रभारी कलराज मिश्रा भी साथ में मौजूद रहेंगे और इसके बाद वहां से रोड शो शुरू होकर के कलेक्ट्रेट जाएगा, जहां पर 11:50 पे लगभग कलेक्ट्रेट में एंट्री करने के बाद 12 बजे नामांकन करने का मुहूर्त बताया जा रहा है, तो लगभग 12 बजे वहां पर नामांकन दाखिल करेंगे। और श्रीन महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी से तो राजनाथ सिंह यहां पर दूसरी बार सांसदीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अभी फिलहाल विपक्ष से कोई भी कैंडिडेट, ना ही गठबंधन से ना ही कांग्रेस से कोई भी कैंडिडेट यहां पे नहीं उतारा गया है और 2 दिन और शेष हैं नामांकन दाखिल करने के लिए, 18 तारीख अंतिम तिथि है। तो ऐसे में बड़ा रोचक है देखना यह है कि कौन यहां से विपक्ष से राजनाथ सिंह को टक्कर देता है। लखनऊ की सीट बड़ी महत्वपूर्ण सीट वैसे भी मानी जाती बीजेपी के लिए, गढ़ रहा है। आप रहिए हमारे साथ, हम आगे भी इस खबर पर आपसे अपडेट राजीव लगातार लेते रहेंगे, क्योंकि आज राजनाथ सिंह अपना नामांकन फाइल करने के लिए भी पहुंच रहे हैं और उससे पहले वो एक रोड शो भी करेंगे जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान बढ़ती बदजुबानी के बीच चुनाव आयोग ने सख्त तेवर अख्तियार किए हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेताओं पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप उन पर लगे और उनके कारण चुनाव प्रचार के लिए 72 घंटों का प्रतिबंध लगा दिया गया। आयोग की तरफ से इस प्रतिबंध के बाद मुख्यमंत्री ने नया तरीका निकाल लिया है, वो अब मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह करीब 9 बजे हनुमान मंदिर पहुंचे और वहां पर करीब 10 से 15 मिनट तक के लिए रुके, हनुमान चालीसा का पाठ किया और फिर वहां से चले गए। हालांकि उन्होंने यहां पर किसी से बात नहीं की, पहले यहां पर राजनाथ सिंह को भी यहां पर आना था लेकिन वो नहीं आ पाए और इसी मंदिर में योगी आदित्यनाथ ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। चुनाव आयोग की तरफ से भाषण देने पर बैन लगा दिया गया है योगी आदित्यनाथ के और उनके इस प्रतिबंध में मंदिर में जाना शामिल नहीं है, तो ऐसे में वो मंदिर चले गए। और 48 घंटे के चुनावी बैन से बीएसपी सुप्रीमो मायावती तिलमिला गई हैं। मायावती ने चुनाव आयोग के फैसले को लोकतंत्र का काला दिन बताया। मायावती ने कहा कि चुनाव आयोग पीएम और अमित शाह पर आखिर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। मायावती को आगरा में गठबंधन की तीसरी साझा रैली में शामिल होना था आज। मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना है गठबंधन ही इस लायक है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है। धर्म के नाम पर वोट मांगने पर 48 घंटे के चुनावी बैन से बीएसपी सुप्रीमो मायावती तिलमिला गई। मायावती ने फैसले को लोकतंत्र का काला दिन बताते हुए पूछा, चुनाव आयोग पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर एक्शन क्यों नहीं लेता। ये आदेश भारत निर्वाचन आयोग के इतिहास में हमेशा के लिए काला दिवस के रूप में ही जाना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह एवं श्री नरेंद्र मोदी को भारत निर्वाचन आयोग ने खुली छूट दे रखी है। मायावती को क्या तो सीधी तस्वीरें आप लखनऊ की देख रहे हैं। नामांकन दाखिल करने से पहले ये तस्वीरें राजनाथ सिंह की, जिसमें आप देख रहे हैं कि वो मंदिर पहुंचे हैं भगवान के दर पर उनका आशीर्वाद लेने के लिए। राजनाथ सिंह पूजा अर्चना करने के लिए यहां पर हैं और इसके बाद ही वो यहां से निकलेंगे, फिर उनका रोड शो का भी कार्यक्रम है और फिर हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ वो पहुंचेंगे नामांकन दाखिल करने के लिए। लेकिन उससे पहले मंदिर में दर्शन करने पहुंचे हैं, भगवान के दर पर उन्होंने माथा टेका, उनसे आशीर्वाद लिया है और ये सीधी तस्वीरें जो हैं वो लखनऊ की हैं। थोड़ी देर पहले राजनाथ सिंह जब मंदिर में पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने यहां पर पूरी पूजा अर्चना की, भगवान से आशीर्वाद लिया और फिर से उस जीत को दोहराया जाए जो पिछली बार मिली थी, इस मनोकामना के साथ भगवान के दर पर हैं। और अब से थोड़ी ही देर बाद एक बड़ा रोड शो भी करेंगे लखनऊ की सड़कों पर, लखनऊ के कई इलाकों से होकर गुजरेगा रोड शो जिसमें उनके साथ कई बीजेपी के नेता भी रहेंगे, कार्यकर्ताओं का हुजूम रहेगा और आम जनता का भी समर्थन देखने को मिलेगा। दो तस्वीरें
दोनों ही तस्वीरें, एक तस्वीर में आप राजनाथ सिंह को देख रहे हैं जो कि भगवान के दर्पण है, तो दूसरी तस्वीर योगी आदित्यनाथ की है। और योगी आदित्यनाथ जिनके चुनाव प्रचार करने पर बैन लगा दिया गया है, 72 घंटों का बैन है, लेकिन जनता के बीच तो नहीं जा सकते योगी आदित्यनाथ, लेकिन तरीका दूसरा अपनाया उन्होंने। वो पहुंचे भगवान के मंदिर और मंदिर में पहुंचकर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। हालांकि यहां उन्होंने किसी से बातचीत नहीं की, लेकिन यहां 15 से 20 मिनट तक वो रहे, मंदिर में पाठ किया पहले और उसके बाद पूजा अर्चना करके वहां से निकल गए। तो दोनों ही तस्वीरें उत्तर प्रदेश की और महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं आज की ये, जिन्हें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। फिर से एक बार देखिए, एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह है तो दूसरी तरफ यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं। आज चूंकि राजनाथ सिंह अपना नामांकन फाइल करेंगे तो उससे पहले उन्होंने आशीर्वाद लिया है और फिर वो अपने दिन की शुरुआत यहां से करेंगे। आगे नामांकन दाखिल करने से पहले एक रोड शो, और इस रोड शो में जो जन समर्थन दिखेगा वो हम दिखाएंगे आपको थोड़ी देर में, लेकिन बीजेपी की तरफ से यही उम्मीद की जा रही है कि एक भव्य रोड शो होगा ये और हजारों की संख्या में लोग इसमें जुटेंगे, शामिल होंगे, और फिर एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन का जो एक नजारा दिखेगा वो तस्वीरें भी थोड़ी देर बाद सामने आ जाएंगी जब रोड शो की शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले तस्वीरें मंदिर से आ रही हैं, क्योंकि सुबह की शुरुआत अपने दिन की शुरुआत ये दोनों ही नेता, जो एक यूपी के मुख्यमंत्री हैं तो एक केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने शुरुआत अपनी मंदिर से की है। मंदिर में भगवान के दर पर पहुंचे, उनसे आशीर्वाद लिया। मौसम चुनावी है और ऐसे में हर कदम फूक फूक कर हर कोई रखना चाहता है, हर कोई चाहता है कि दिन की शुरुआत बेहतर हो ताकि आगे के सारे काम सही तरीके से हो जाएं। और ऐसे में ये तस्वीरें काफी दिलचस्प हैं। बेहद दिलचस्प ये मुकाबला और बेहद दिलचस्प ये सीट, क्योंकि वीवीआईपी सीट में गिनी जाती है, लखनऊ की सीट, और यहां पर पिछली बार भी राजनाथ सिंह ने अपनी जीत का झंडा गाड़ा था और इस बार भी वो पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं और अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त हैं और इसीलिए नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जो अपने भाषण की वजह से अभी कुछ वक्त के लिए, कुछ घंटों के लिए जनता के बीच नहीं जा पाएंगे क्योंकि चुनाव आयोग ने उन पर बैन लगा दिया है। ऐसे में अब वो किस तरीके से लोगों से जुड़ सकते हैं उसका ये नया तरीका भी आप इसको कह सकते हैं। हालांकि लोगों से बातचीत तो उन्होंने नहीं की, पर हां मंदिर जरूर की गए, चालीसा का पाठ उन्होंने किया और फिर वो वहां से निकल गए। फिर से आप एक बार ये तस्वीरें देखिए। तो चुनावी मौसम है, पूरे देश भर में चल रहा है, चुनावी माहौल है और इसमें इस दौरान आस्था की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ जाती हैं, क्योंकि आशीर्वाद लेना कोई भी नेता नहीं भूलना चाहता, कोई भी शुभ कार्य अगर हो, और बात चूंकि इलेक्शन लड़ने की है, अपना नामांकन फाइल करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो पहले भगवान का आशीर्वाद, उसके बाद कोई दूसरा काम। और आज कई और कार्यक्रम भी है राजनाथ सिंह के, पार्टी दफ्तर में पहुंचकर वो कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत भी करेंगे, उनके साथ भी मुलाकात करेंगे, और जो भी अपडेट लगातार इस खबर से जुड़ा होगा वो लगातार आप जी न्यूज पर देखेंगे। एक एक सटीक जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे ही वैसे 2019 का किंग कौन होगा ये भी साफ होने का वक्त अब कम होता जा रहा है। तो लगातार इन तस्वीरों के साथ हम आप तक पहुंचाते रहेंगे हर अपडेट। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।